नमस्कार, स्मार्ट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने चालान को चेक कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी का आप चालान कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे आपके पास बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, किसी भी बाइक या फिर किसी भी गाड़ी का आप कैसे चालान देख सकते हैं कि कब कब आपका चालान कटा है, वो सब आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। सो, इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आपको इस एप्लीकेशन को एम परिवहन नाम का एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में और इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नंबर से रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक RC दिखेगा और एक यहाँ पर DL दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर RC पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो गाड़ी का नंबर है जिसका आप देखना चाहते हैं कि चालान कब कब कटा है, वो सब आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर यहाँ पर डालना है। तो जो हमारा नंबर है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है। आप भी अपना गाड़ी का नंबर डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सभी चीज़ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ का यह गाड़ी है, कौन सा बाइक है, ठीक है। और इसका RC देख सकते हैं, एक्टिव है, पेट्रोल वाला है, ठीक है। कितना गाड़ी जो है वो पुरान हो चुका है, वो सभी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि इसका जो चालान कब कब कटा है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है नीचे एक ऑप्शन व्यू चालान का। तो आपको इस व्यू चालान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू चालान पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर चेचिस नंबर डालना है, जो आपका बाइक का या फिर किसी भी गाड़ी का चेचिस नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और उसके बाद इंजन नंबर आपको डालना है। तो चेचिस नंबर और इंजन नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका जो गाड़ी का नंबर है, मतलब कि आपके जो गाड़ी का चालान है, वो सभी का डिटेल्स दिख जाएगा कि कब कब आपका चालान कटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने गाड़ी का चालान देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इंजन नंबर डालना है और यहाँ पर चेचिस नंबर आपको डाल के तब आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इससे आपका जो गाड़ी का चालान है वो दिख जाएगा। फिलहाल मेरे में कोई चालान नहीं है, तो इस वजह से नहीं दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ा सा भी आपको काम का ये वीडियो लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।